नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं कीर्ति लेकर हाजिर हूं 5 मिनट में देश और दुनिया की 25 बड़ी खबरें। 26 जून को देशभर के सभी राजभवनों का करेंगे घेराव, संयुक्त किसान मोर्चा का ऐलान। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में कल से भारी बारिश, कई जगह हुआ भूस्खलन। आईएमए में पासिंग आउट परेड आज, सेना को मिलेंगे युवा सैन्य अधिकारी। मुंबई के कई इलाकों में तेज बारिश, अंधेरी में जल जमाव शुरू, हैवी रेन का अलर्ट जारी। पेट्रोल डीजल के दामों में फिर इजाफा, पेट्रोल 27 पैसे और डीजल 23 पैसे महंगा। जीएस के 3 सूत्रों में होगा पीएम मोदी का संबोधन, 12-13 जून को लेंगे हिस्सा। पाकिस्तान ने बढ़ाया अपना रक्षा बजट, पिछले साल के मुकाबले 6% ज्यादा राशि का आवंटन। छियालीस साल बाद फेसबुक के जरिए महिला को मिली उसकी खोई हुई रिंग, सोशल मीडिया को कहा धन्यवाद। ब्रिटेन का ऐलान, साल 2022 तक G7 के देश दान करेंगे वैक्सीन की 100 करोड़ डोज। पाकिस्तान में बवाल, एक दिन में पास हो गए किस बिल, डिप्टी स्पीकर को हटाने एकजुट हुआ विपक्ष। यूपी में अवैध तरीके से घुसे 11 रोहिंग्या गिरफ्तार, फर्जी पासपोर्ट से लेकर ड्राइविंग लाइसेंस तक बरामद। लखनऊ के केजीएमयू में अब तक 352 ब्लैक फंगस के मरीज भर्ती, पिछले 24 घंटे में 14 मरीजों की सर्जरी हुई। उत्तर प्रदेश पंचायत चुनाव में मतदान आज शुरू, 8321 पोलिंग बूथ पर पड़ रहे वोट। रायबरेली में पुलिस को मिली बड़ी सफलता, पुलिस ने करोड़ों की संपत्ति की जब्त। पुलिस ने 6 शातिर चोरों को किया गिरफ्तार, पुलिस ने अभियुक्त के पास से 57 लाख रुपए कैश और करीब 13.9 किलोग्राम सोना, जिसकी कीमत करीब 6 करोड़ से ज्यादा बताई। कप्तान बनाए जाने पर शिखर धवन ने दी प्रक्रिया, अपने लिए बेहद ही सम्मान की बात बताई। शाकिब अल हसन ने अंपायर सी की बसुलकी, गुस्से में उखाड़े स्टंप से चुकानी पड़ेगी भारी कीमत। नडाल को हराकर जोकोविच ने रचा इतिहास, फाइनल में सित्सिपास से भिड़ेंगे। बाईस साल के सित्सिपास ने रचा इतिहास, ग्रैंड स्लैम के फाइनल में पहुंचने वाले पहले ग्रीक खिलाड़ी बने। विराट की सेना ने जमकर बहाया पसीना, बीसीसीआई ने जारी किया वीडियो। प्रेग्नेंट है नुसरत जहां, बेबी बम फ्लॉन्ट करते हुए पहली तस्वीर आई सामने। मनोज वाजपेयी को फैमिली मैन 2 को लेकर मिली सफलता, इसके बाद फैमिली मैन 3 के लिए दोगुनी की अपनी फीस। करिश्मा तन्ना के लेटेस्ट फोटोशूट ने फैंस के दिलों में मचाई खलबली, देखे फोटोज। शाहरुख खान ने ब्रिटिश एक्टर टॉम हिडलस्टन की तारीफ, बोले मैंने
अमिताभ ने थ्रोबैक फोटो शेयर कर कहा वो भी क्या दिन थे, तो फैंस बोले हम आज भी हैं दीवाने। पांच पच्चीस में फिलहाल के लिए बस इतना ही, फिर हाजिर होंगे, वक्त हो चला एक छोटी से ब्रेक का।